फ्रेंड्स, मैं हूं आपके साथ नम्रता। अक्षय कुमार बॉलीवुड के अकेले ऐसे एक्टर हैं जो कि फिलहाल बॉलीवुड में सबसे ज्यादा बिजी हैं। अगर वो किसी दिन फिल्म की शूटिंग नहीं करते हैं तो उस दिन वो डायरेक्टर को बुलाकर स्क्रिप्ट सुनने और उसे साइन करने का काम करते हैं। यही वजह है कि अक्षय कुमार की डिमांड मार्केट में बहुत ज्यादा है और उनके आने वाले 2 साल पूरी तरह से फिक्स है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अक्षय कुमार अगले साल एक दिन भी खाली नहीं बैठने वाले हैं, क्योंकि उनके पास एक से बढ़कर एक फिल्में हैं जिनकी जल्द ही शूटिंग शुरू हो जाएगी। अक्षय कुमार ने मार्केट में बढ़ती डिमांड को देखते हुए प्रोड्यूसर्स की जेब ढीली कराने का फैसला किया है। हाल ही में खबर आई थी कि अक्षय कुमार एक फिल्म के लिए 100 करोड़ रुपए से ज्यादा चार्ज कर रहे हैं। कई बार ये रकम 117 करोड़ रुपए भी पहुंच जाती है। अब सुनने में आ रहा है कि अक्षय कुमार ने अपनी फीस फिर से बढ़ा दी है। अब उन्होंने एक फिल्म के लिए 135 करोड़ रुपए चार्ज करने का फैसला किया है। अब से अक्षय कुमार साल 2022 के लिए जो फिल्में साइन करेंगे उनके प्रोड्यूसर्स को अपनी जेब काफी ढीली करनी होगी, क्योंकि इतनी ज्यादा फीस बहुत कम एक्टर ही लेते हैं। ऐसा नहीं है कि अक्षय कुमार हर फिल्म मेकर से 135 करोड़ रुपए ही चार्ज करेंगे। अक्की अपने दोस्त और जाने माने प्रोड्यूसर साजिद नाडियाडवाला से कम रुपए लेने के लिए भी तैयार है। सब जानते हैं साजिद नाडियाडवाला और अक्षय कुमार कितने अच्छे दोस्त हैं। इन दोनों ने साथ में मिलकर कई बिग बजट फिल्में बनाई हैं। आने वाले समय में भी ये दोनों मिलकर कई फिल्में लाने की प्लानिंग कर रही हैं, जो कि बहुत बड़े स्केल पर शूट की जाएगी। अक्षय कुमार नहीं चाहते कि उनकी मोटी फीस की वजह से साजिद को प्रोडक्शन बजट को लेकर परेशान होना पड़े। इसी वजह से उन्होंने सिर्फ साजिद के लिए अपनी फीस में स्पेशल छूट देने का फैसला किया है। बता दें, अक्षय कुमार जल्द ही बच्चन पांडे, बेल बॉटम और पृथ्वीराज जैसी फिल्मों में दिखाई देंगे, जिनका इंतजार दर्शक बेसब्री से कर रहे हैं। लेकिन अक्षय कुमार जिस तरह से अपनी फीस में इजाफा कर रहे हैं वो वाकई में कई लोगों के लिए हैरान कर देने वाली बात है, क्योंकि बॉलीवुड में कोई भी एक्टर इतनी फीस चार्ज नहीं करता है। और अगर अक्षय कुमार को किसी फिल्म के लिए इतना बड़ा अमाउंट मिल गया तो वो वाकई में एक इतिहास रच देंगे। बताते चले कि फोर्ब्स की लिस्ट के मुताबिक अक्षय कुमार पूरी दुनिया में इकलौते ऐसे भारतीय हैं जो कि हाईएस्ट पेड एक्टर्स की लिस्ट में शामिल हैं। इस मामले में कोई बड़ा बॉलीवुड एक्टर उनके पास दूर दूर तक नहीं है, और जिस तरह से वो अपनी फिल्मों में इजाफा कर रहे हैं उससे वो दिन दूर नहीं जब वो बड़े बड़े हॉलीवुड एक्टर्स को भी पछाड़कर पहला पायदान हासिल कर लेंगे। खैर, अक्षय कुमार वाकई में अपनी फीस में इजाफा कर रहे हैं या नहीं हम इसकी पुष्टि नहीं कर रहे हैं, लेकिन मीडिया के गलियारों में इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं। वैसे आपका इस पर क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं।